नमस्ते दोस्तों, मैं अरियंत और आप देख रहे हैं एडी टेक्निकल। तो चलिए शुरू करेंगे आज की वीडियो जो कि मैंने बनाया कि हमारे अनबॉक्सिंग के वीडियो के ऊपर व्यूज क्यों नहीं आते। चाहे आप बढ़िया से बढ़िया गैजेट की अनबॉक्सिंग कर दे पर उसके ऊपर व्यूज लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो चाहे 50 व्यूज लाना हो या 100 व्यू लाना हो या 1000 व्यू लाना हो, हर वीडियो के ऊपर, हर अनबॉक्सिंग वीडियो के ऊपर व्यूज लाना बहुत मुश्किल होता है हर यूट्यूबर के लिए, जो उसका जब उसका नया नया चैनल हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने अभी तक एडी टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूले। तो चलिए हाँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से हम हमारे YouTube की वीडियोस, स्पेशली जो अनबॉक्सिंग वीडियो डालते हैं हम हमारे गैजेट्स की, तो उसके ऊपर व्यूज कैसे लाए। और सबसे पहली बात, तो व्यूज क्यों नहीं आते वीडियो पे, तो उसका सबसे मेन जो कारण मैं आज आपको बता रहा हूँ वो है कि सबसे पहली बात तो आपका नया चैनल है। चैनल नया होने के कारण ट्रैफिक ज्यादा अट्रैक्ट होता नहीं, और जो आप गैजेट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं उसके ऊपर पहले से जो आपसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स है वो सब पहले से ही अनबॉक्सिंग कर चुके होते हैं। उनको कंपनी पहले ही बेच देती है प्रोडक्ट, क्योंकि उनको पता है ये इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स है टेक के अंदर, इनके अनबॉक्सिंग, इनको अनबॉक्सिंग के लिए प्रोडक्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो कंपनियां क्या करती है, जो टॉप 5 टॉप 10 यूट्यूबर्स है टेक में, उनको सबसे पहले प्रोडक्ट भेज दिया करती है। और हमारे पास कब आता है प्रोडक्ट, जब या मार्केट में आए या कहीं से हम जुगाड़ करके लाते हैं, वहीं से हमारे पास वो प्रोडक्ट आता है और हम उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। और होता क्या है, जब आप उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हो ना, जो 70-80% ट्रैफिक है वो उन वीडियोस पे चला जाता है और आपके पास बचता है सिर्फ 10-20%, वो भी आपके पास पूरा नहीं आ पाता। इसलिए सबसे बड़ी वजह है हमारे पास व्यूज क्यों नहीं आते अनबॉक्सिंग की वीडियो के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट डिले आता है। और एक और मेन बात जो आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अनबॉक्सिंग की वीडियो करते हैं तो आपके चैनल को सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। बहुत बढ़ते हैं पर धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई एक आधा बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता है ये इससे अच्छा और भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स है। तो आपको कुछ ऐसी वीडियो लानी पड़ेगी जो लॉन्ग टर्म चले, आज भी चले और आज से 5 साल भी चले। आज आपने आईफोन एक्स की अनबॉक्सिंग कर दी कहीं से जुगाड़ जमा के, पर 5 साल बाद के उसके ऊपर व्यूज आएंगे वहां रुक जाएंगे। कुछ आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसी वीडियो डालनी होगी, अनबॉक्सिंग डालिए, और कुछ ऐसी अनबॉक्सिंग डालिए जैसे कि मैंने डाली है माइक की। आज कोई भी अगर यूट्यूबर सर्च करता है बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब वीडियोस तो सबसे पहले मेरी वीडियो या और किसी की वीडियो, ये कैसा है, ये वीडियो आज भी चल रही है और अगले 5 साल या अगले 10 साल तक चलेगी जिनको यूट्यूब चैनल बनाना है। पर आईफोन एक्स का कैसा, एक बार मार्केट में सबको पता चल गया ये फोन ऐसा है, ये फोन ऐसा है, तो आपकी अनबॉक्सिंग को बहुत ही रेयरली कोई देखेगा। और सब्सक्राइबर तो बहुत मुश्किल है बढ़ने, क्योंकि काफी डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि लोगों को पता है वो पहले से वो अनबॉक्सिंग देख चुके हैं, उनका सब्सक्रिप्शन उनको मिल दूसरे को दे चुके हैं, तो इसलिए वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कम करना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देना चाहूंगा कि आप ऐसी वीडियोस बनाइए जो लॉन्ग टर्म चले, ऐसा नहीं कि एक बार व्यूज आ गए तो व्यूज रुक गए। ऐसी वीडियो बनाइए जो लॉन्ग टर्म आज भी चले और आज से 5 साल भी चलनी चाहिए, उसके ऊपर व्यूज कॉन्स्टेंटली आने चाहिए। ऐसी वीडियोस बनाइए, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देना चाहता हूँ, मैं भी ये टॉपिक के ऊपर आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ अगर आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी वीडियो बनाएं जो अगले 5 साल तक भी चले, जैसे टॉप 10 फोन्स अंडर 10,000, टॉप 10 फोन्स अंडर 20,000, टॉप 10 फोन्स अंडर 30,000, कुछ ऐसे बनाइए, टॉप ईयरफोन्स, टॉप हेडफोन्स, इन सब चीजों पे आप अगर वीडियोस बनाएंगे तो आपके इस पे व्यूज कॉन्स्टेंटली आएंगे, आज भी आएंगे, अगले 5 साल भी आएंगे। क्योंकि अगर किसी बंदे को देखना होगा कि 10,000 के अंदर कौन कौन से फोन है, और अगर आपकी वीडियो वहां पे रैंक कर जाती है तो आपको अच्छे खासे व्यूज मिलते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि अनबॉक्सिंग वीडियो के ऊपर व्यूज क्यों नहीं आते, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। और अब व्यूज कैसे लाया जाए, इसका एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जैसे अनबॉक्सिंग वीडियो डालते आप सबसे पहले उसको हो सके उतना शेयर कीजिए। जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे, जब तक आपके पब्लिक को, चाहे वो आपकी फेसबुक का ट्रैफिक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का ट्रैफिक हो, ट्विटर का ट्रैफिक हो, कहां का भी ट्रैफिक हो, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपका यूट्यूब पे चैनल है, तो तब तक आप की वीडियो रैंक नहीं करेगी, आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे। तो हो सके उतना शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बना दीजिए, जितने भी कॉन्टेक्ट है एक साथ सबको शेयर कर दीजिए। मेरा भी आज जो एस्टिमेटेड व्यूज है, जो कांस्टेंट व्यूज आते हैं, वो हमेशा मेरे व्हाट्सएप से आते हैं। 60% व्यूज मेरे व्हाट्सएप से आते हैं, क्योंकि मैं वही शेयर करता हूँ। फिर सेकंड नंबर पे आता है फेसबुक। फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप है यूट्यूब के, आप जाइए वो ग्रुप में ज्वाइन होइए और जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हैं वहां जाके आप अपनी वीडियो की लिंक डालिए।
और अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाइए और कांस्टेंट वीडियो डालते रहिए। वीडियो में रुकिए मत कि आज डाल दिए और 2-3 महीने डाली नहीं, कांस्टेंट वीडियो डालिए। अगर आप हर वीक में एक वीडियो डाल रहे हैं तो एक वीडियो डालिए, हर वीक में दो डाल रहे हैं रेगुलर डाल रहे तो डालिए। ये आपके चैनल को ग्रो होने में बहुत मदद करती है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ आइडियाज लाता रहूंगा डेली और हर वीकली। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।